कोई फर्क नहीं किया जा रहा। जो तहरीक इंसाफ का है और जो वो खड़ा होकर कहने के लिए तैयार नहीं है लीडरशिप में से कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, उसके ऊपर हर किस्म का जुल्म हो रहा है। उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं, उनके फैमिलीज तक पहुंच गए हैं, उनके बच्चों तक पहुंच गए हैं, हर किस्म की ब्लैकमेल, रात को घुस जाते हैं घरों में, घर तबाह करके रख देते हैं, लूट लेते हैं घर, घरों को डाका मारा जाता है, जो मिलता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, अगर वो सारे तो छुपे हुए हैं उनके रिश्तेदारों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो बदतरीन दुनिया की डिक्टेटरशिप्स में, यानी वो निजाम जिनकी दुनिया मिसाल देती है, हिटलर का जर्मनी, स्टालिन का रशिया, सोवियत यूनियन, ये उन खौफनाक जुल्म के निजामों में इस तरह की चीजें होती थी जो आज हमारे ऊपर हो रही है। मेरे पास आलिया हमजा की बेटियां हैं, मैंने कल उनको मिला, तीन बेटियों को, एक महीने से उसको बंद किया हुआ आलिया हमजा, क्या उसका कसूर है? उसका वालिद, वो मेरे पास आए, उन्होंने बताया कैसे घर में घुस के इन्होंने सारी चीजें तोड़ दी, उनकी टीवी तोड़ दी, एक दो आदमी उन्होंने लाठियां पकड़ी हुई थी, जो चीज आए तोड़ तोड़ के चले गए, जो चीज दो तीन अच्छी चीजें पसंद आई उठा के ले गए। तो ये कौन से मुल्क में होता है? ये गुलाम मुल्कों में लोगों को गुलाम बनाने के लिए ये हो रहा है, ये आजाद कौमों में नहीं होता। और ये जिस तरफ हम अब जा रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ खौफ पिला के समझ रहे हैं कि ये पार्टी टूट जाएगी, और कई लोग चले भी गए हैं। लेकिन क्या अब मेरे से पूछें कि क्या मुझे इससे कोई फर्क पड़ रहा है? 150 से ऊपर केसेस कर दिए, कत्ल का केस आखिरी कर दिया मेरे ऊपर, मुझे 19 बेलें लिए मैंने एक दिन में, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। उसके बाद 4 घंटे नैब में बैठा हूं, 4 घंटे नैब ने मेरे से वो जो सवाल पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि